साईनाथ साईनाथ तुतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ हरियाली से। तो मैं जा रही हूँ साई मंदिर दर्शन करने। तो और ये देखिए, ये मेरी बेटी का बचपन का स्कूल है, जब मेरी बेटी जूनियर सीनियर में पढ़ती थी, यानी कि कहीं कहीं LKG UKG बोलते हैं, तो जूनियर सीनियर पढ़ती तब का वो स्कूल है। तो ये देखिए, यहाँ से ये है जंगल। तो हमारे साइड थोड़ा जंगल भी है, तो आप लोग को आज तक मैंने दिखाया नहीं था, फॉरेस्ट एरिया है सब, तो दिखाया नहीं था। तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये सब सेंचुरी का इलाका है, फॉरेस्ट एरिया बोल के सब। और हमारा जो क्लब है वो जंगल में पड़ता है, थोड़ा जंगल साइड में पड़ता है। तो ये देखिए, हमारे क्लब हाउस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये देखिए सब नज़ारे, मैं सोची थोड़ा आपके पास पूरा दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो बारिश हुआ था, अब मैं जा रही थी तो नहीं हुआ था बारिश, और उससे पहले हो चुका था। तो देखिए हमारे साइड कितनी ग्रीनरी है। और ये रहा हमारा क्लब हाउस। क्लब हाउस में स्विमिंग है, लाइब्रेरी है, जिम है, कैंटीन है, बहुत कुछ है इसमें। मेरे हस्बैंड मेंबर हैं यहाँ के। और ये रहा साई मंदिर का दरवाज़ा। फिर यहाँ से सेंचुरी इलाका ख़त्म हो जाता है, ये आता है MADC का रास्ता, मतलब एरिया आता है। मंदिर जो है MADC के एरिया में है। तो देख लीजिए आप लोग भी, साई मंदिर दर्शन कर लीजिए। और सीढ़ी से चढ़कर फिर मैं पैर धोऊंगी। नल लगा हुआ है। साई मंदिर में भी हमारे बहुत हरियाणा है, तो किसी को भगवान दर्शन कर रहे हैं। कर लीजिए साईनाथ महाराज की जय। और फिर मैं देखी पूजा करी, शादा इस बार बना कर लेकर गई थी, और दिया बाती जो भी होता है सब मैं कर रही हूँ, फटाफट फटाफट कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो आप लोग भी कर, मैं आप लोग को हर गुरुवार को साईं बाबा का दर्शन कराऊंगी, तो आप लोग भी कर लिया करिए साईं बाबा का दर्शन, बहुत प्यारा लगता है ये मंदिर। साईनाथ साईनाथ। और वहां पर कोई रहता नहीं है, मेरी बेटी पिछली बार गई थी, इस बार नहीं गई थी। तो खिड़की रहती है ना, तो मैं खिड़की के नज़ारे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फिर मैं वहीं से कोई मोबाइल रख देती हूँ, रख कर पूजा अपना वीडियो भी शूट कर दी, पूजा भी कर देती हूँ। मैं बना कर दे रही थी हलवा, रवा और शीरा जो भी बोलते हैं। देखिए इसे एक खिड़की को मैं रखती हूँ कॉर्नर में, तो अपना ले लेती हूँ। चलिए मैं आप लोग से कुछ बातें कर रही हूँ, फेरी लगा रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप पीछे का व्यू देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो जी, मैं आई हूँ साईं मंदिर और दर्शन करने। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन मैं आई हूँ दर्शन करने साईं बाबा का। आप लोगों को भी मैंने कराया, आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। और बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? यूपी साइड में कम हो रही बारिश, और बाकी जगह तो अच्छी खासी बारिश, बाढ़ सब आ चुके हैं। और आगे मैं आप लोग को रेसिपी दिखाऊंगी, और रेसिपी आप लोग बनाइए, मेरी मम्मी की रेसिपी है, आप लोग बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं थोड़ा सा वो घूम लूँ, फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ। तो देखिए मेरे फेरी वगैरह हो गए, मेरे जाने लगी, तो फिर उसके बाद ऐसे बोले सब अपना भी ले लूँ, साईं बाबा का भी ले लूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलूँगी घर पर।
और यहाँ पर दो डॉगी लोग थे और एक उनका बच्चा था, तो प्रसाद जो मैं लाई थी, हलवा चढ़ाई थी ना, तो उसी में से थोड़ा सा उन लोग को दे रही थी खाने के लिए। तो एक डॉगी था रखने पर, दो डॉगियों को नहीं खाने दे रहा था, तुम ही खाओ बोल रही थी सारा, तुम ही खा जाओगे क्या, देखिए ब्लैक वाला खाने नहीं दे रहा था किसी को। गाइस मेरे दर्शन हो चुके हैं, ये मेरा वीडियो कल का, मैंने ये रेसिपी शूट किया था। तो देखिए ये है पंचफूरन, पंचफूरन मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या रहता है। ये है जीरा, जो सामान आप बना रही हूँ उस हिसाब से उस क्वांटिटी से बना ले लीजिए। तो ये है जीरा, ये है देखिए ये राई है, पीली वाली राई है, आप काली वाली भी ले सकते हैं, वो कलौंजी या मंगरेल, ये सौंफ और ये है मेथी। तो ये पांचों चीज़ से ही बनता है पंचफूरन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हींग और ये मिर्ची और लहसुन मैंने छिला और प्याज काट लिया है, हल्दी और धनिया पाउडर, एक गरम मसाला नहीं पड़ेगा, बस दो चीज़ पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है करेला, तो आप लोग को देखकर लग मैं बना रही हूँ भरवा करेले। और ये थोड़ा स्टीम करेला है, मैंने थोड़ा स्टीम किया था, नीचे जो बड़ा वाला टोप होता है ना भगोना जिसको बोलते हैं, उसमें पानी रखा था, ऊपर से ये जाली रख दिया था, तो भाप से थोड़ा सा पक गया था, तो इससे कड़वा बिना कड़वा लगे ही एक कलौंजी बहुत अच्छी लगती है करेले की। इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनता था, तो मम्मी के तरीके से ही मैं बनाई हूँ। तो देखिए पंचफूरन को पहले मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, भूज लूँगी पंचफूरन को। तो देखिए मैं भूज रही हूँ, सब कटोरी जो एक्स्ट्रा है सब मैं हटा दूंगी, मैं जो भी बर्तन होता है वो सब काम हो जाता है घर घर खटा। मैंने देखिए पीस लिया, और मैं खटाई मेरे पास नहीं थी तो मैंने बस दो आम का अचार की कली ली थी वही डाला था, और वो जो भुना मसाला था उसको मैंने पीस लिया। अब तेल डाली कढ़ाई में, तेल के बाद हींग डाला, और देखिए मैंने प्याज डाल दिया, तो प्याज को मैं थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी, देखिए ट्रांसपेरेंट होने लगा। इसके बाद अदरक, ये मिर्ची और लहसुन का मैंने दरदरा पेस्ट बनाया था वो भी मैं डाल दूंगी इसमें, और इसी में मैंने आम की जो कली थी ना वो डाल लिया था साथ में पीसने के लिए, और ये डाल देंगे पंचफूरन वाले मसाले, और जो हल्दी और धनिया पाउडर था वो मैंने थोड़ा सा घोल कर डाला है। और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्का सा मैंने थोड़ा तेल और डाला था, और हल्का सा पानी, दोनों मिक्स करके मैंने डाल दिया था। तो मसाले मेरे हो गए रेडी। अब देखिए रहा करेला, देखिए कितनी आसानी से ऐसे फट जा रहा है ना, और जो थोड़ा बहुत, पूरा बीज नहीं डालेंगे ज़्यादा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा बीज, तो अब बीज भी सॉफ्ट हो जाता है तो आराम से निकल जाता है। थोड़ा उसमें मिला देंगे मसाले में, ऐसे इसका पेट, करेले का पेट फाड़ लेंगे, पेट फाड़ फाड़ कर फिर उसके बाद उसके अंदर मसाले भर देंगे। तो देखिए मेरे मसाले एकदम, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, एक बार इस तरीके से आप लोग बनाइए ज़रूर, तब आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग चाहें तो खटाई आमचूर थोड़ा और डाल सकते हैं, मतलब आपका जितना है तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। मेरे पास थोड़ा करेला आधा किलो करेले था, आधा किलो करेले था तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लगा। और फिर उसके बाद ये जितने भी करेले हैं सब देखिए मेरे सास आ गई हैं, मैंने धागे से बांध दिए हैं, कुछ मेरी सास बांधी कुछ मैं बांधी, और जो बाकी मसाले बचे हुए थे उसको आलू मोटा मोटा काट कर आलू वाला बना दूँगी। तो ये करेले के साथ मैंने डालूंगी, अलग से डालूंगी, फिर थोड़ा हल्का पक जाएगा तब मैं करेले के साथ लास्ट में डालूंगी। फिर मैंने चढ़ा ली दूसरी कढ़ाई, उसमें तेल गरम किया है, और देखिए ऐसे धागे से बन गई है, फिर ढक देंगे देखिए दूसरी कढ़ाई में, ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, तब उसके बाद फिर देखिए मेरा, अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर।